दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगे एविडेंट इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो कि बायोस्टेड कंपनी का आता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, परफेक्ट डोज क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। एविडेंट इंसेक्टिसाइड में केमिकल कंपोजिशन आता है थायोमेथेक्सम 25% WG फॉर्म में ये आता है। WG यानी वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में ये आता है। थायोमेथेक्सम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें स्टमक और कॉन्टेक्ट एक्शन आता है। कौन कौन सी फसलों में यूज में ले सकते हैं, तो दोस्तों टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, करेला, तरबूज, खरबूज, अनार, मैंगो, धान, सरसों, चाय, कपास, यानी कि लगभग सभी प्रकार के फसलों में इसको यूज में ले सकते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो ये एफिड्स, जेसिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई का दोस्तों अभी कपास की खेती करने जा रहे हैं तो इसको जरूर आप ला करके रख लें। व्हाइट फ्लाई को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ ही स्टेम बोरर की समस्या धान में बहुत ज़्यादा आती है, तो स्टेम बोरर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट होपर, व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर, उसके साथ ही टीमें जैसे मस्कीटो बग की समस्या आती है, उसके साथ ही टीमें मस्कीटो बग, हेलोपेल्टिस थिवोरा, इनकी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो इन सभी तरीके के इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है। प्राइस की बात करो तो 5 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg के पैकेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और 250 ग्राम का जो पैकेट है ये लगभग 350 से 400 रुपए के समथिंग मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। प्राइस दोस्तों थोड़ी अप डाउन हो सकती है। इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो 7 से 10 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से आप मिक्स करके और स्प्रे करेंगे। यानी कि अगर आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर रहे हैं या फिर इंसेक्ट का प्रकोप बहुत कम है, तो फिर आप जो 15-16 लीटर का टैंक आता है उसमें 7 ग्राम डाल लें। 7 से 8 ग्राम सफिशियंट डोज रहेगी, मिक्स करके अच्छे से स्प्रे करें। और अगर इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा है तो 10 ग्राम प्रति 15-16 लीटर के टैंक में डाल करके मिक्स करके स्प्रे करेंगे। कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, इसलिए इसके साथ में और अदर कोई इंसेक्टिसाइड मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। फंगिसाइड अगर आप साथ में मिला करके स्प्रे करना चाह रहे हैं तो मैनकोजेब है या एजेक्सोस्ट्रोबिन है, डाइफेनाकेनाजोल है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले फंगिसाइड के साथ में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे अगर नाम लूँ तो मैं आप प्लूटोन फंगिसाइड इसके साथ में स्प्रे कर सकते हैं, स्कोर फंगिसाइड इसके साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और भी अगर आप कोई दूसरे फंगिसाइड मिला रहे हैं तो एक बार आप कॉम्बिनेशन है या नहीं चेक जरूर कर लें। और ड्यूरेशन की बात करूं कि फसलों में कितने लंबे समय तक इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो लगभग 10 दिन तक ये इंसेक्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और कपास वगैरह में जैसे व्हाइट फ्लाई वगैरह का प्रकोप होता है तो उनमें ये 15 दिन तक भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और भी कोई क्वेरी है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।